हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर 11th लेसन, दैट इज इनकॉइट ऑफेंसेस। सो लेट्स गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ क्राइम। फर्स्ट स्टेजेस ऑफ क्राइम, द फर्स्ट वन इज इंटेंशन। द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस एंड इज नोन एज द मेंटल और साइको स्टेज। इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव एंड डिसाइड्स इज कोर्स or direction towards the offense. The ironical fact about this stage is that the law cannot punish the person just for having an intention to do any illegal act. Moreover, being the mental concept, it is very difficult to judge if a person possesses any such intention. Just by having an intention will not constitute an offense. Example, X wants to kill Z. So here, an intention, ये सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज है किसी भी क्राइम को करने से पहले इंटेंशन आता है। ये इसको मेंटल और साइको स्टेज की तरह हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑफेंडर होता है वो डिसाइड करता है कि उसका मोटिव क्या है। इसमें ये कहा जा सकता है कि लॉ किसी को भी पनिश नहीं कर सकता है, कि बस उसकी सोच जो है वो इल्लीगल थी, इल्लीगल एक्ट को करने की थी। तो इस बिहाफ पे आप किसी को भी पनिश नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी पर्सन एक्स है, वो जेड को मारना चाहता है, ये उसकी इंटेंशन है, तो इस बिहाफ पे आप किसी को भी पनिश नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज अमंगस्ट द स्टेजेस ऑफ क्राइम। इट मींस टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटेंशनल क्राइम क्रिमिनल एक्ट। इंटेंशन एंड प्रिपरेशन alone are not enough to constitute a crime. Preparation is not punishable because in many cases the prosecution fails to prove that the preparations in the question are for the execution of the particular crime. Second stage hota hai kisi bhi crime ko karne mein वो है प्रिपरेशन। आप क्या प्रिपरेशंस करते हो, क्या अरेंजमेंट करते हो क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए। इंटेंशन और प्रिपरेशन ये दोनों ही काफ़ी नहीं है किसी भी क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए। प्रिपरेशन ये पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो प्रिपरेशन है वो फेल हो जाता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई मिस्टर एक्स है, वो पॉइजन लेके आया, मिस्टर जेड के खाने में मिलाने के लिए। तो इस बिहाफ पे आप इसको, वो लेके ही आया है सिर्फ, उसने मिलाया नहीं है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो है यहाँ पे एक्स ने करी, बट जो जेड है यहाँ पे
उसके खाने तक ये पॉइजन पहुंचा ही नहीं है अभी तक। सो प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। नाउ थर्ड वन इज अटेम्प्ट। एन अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। According to law, a person is guilty of an attempt to commit an offense if he or she does an act which is more than simply preparatory to the commission of the offense. Moreover, a person is guilty of attempting to commit an offense even though the facts are such that the execution of the offense seems to be impossible. For example, X mixes the poison in Jet's food. Attempt जो है ये third stage है किसी भी crime को करने के लिए। Law के हिसाब से कोई भी इंसान guilty होता है अगर वो अटेम्प्ट करता है ऑफेंस को करने के लिए। तो क्योंकि प्रिपरेशन में, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि एक्स बॉट पॉइजन टू मिक्स इन जेड्स फूड। एक्स लेके आया पॉइजन फूड में मिलाने के लिए, जेड के खाने में मिलाने के लिए। तो ये जो अटेम्प्ट है इसमें उसने ये मिला दिया उसके खाने में, जैसा कि एक्स मिक्सेस द पॉइजन इन जेड्स फूड। तो ये यहाँ पे एक्स गिल्टी हो गया खाने में, जेड के खाने में पॉइजन मिलाने के लिए। अब यहाँ आते हैं, लेट्स गो थ्रू फोर्थ स्टेज, दैट इज अकम्प्लिशमेंट। द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट्स सक्सेसफुल कम्प्लीशन। If the accused becomes successful in his attempt to commit the crime, he will be guilty of the complete offense. Moreover, if his attempt is unsuccessful, he will be guilty of his attempt. Example, Jed had not eaten the food. जो accomplishment है ये fourth stage है किसी भी crime को करने के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो एक्यूज्ड है वो सक्सेसफुल हो जाए अपने अटेम्प्ट में जो उसने किया किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, तो वो गिल्टी हो जाएगा उस ऑफेंस के लिए। और अगर वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा तो वो गिल्टी होगा बट अपने अटेम्प्ट के लिए गिल्टी होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जेड जो है उसने खाना नहीं खाया, एक्स ने खाने में जहर मिलाया, उसका ये अटेम्प्ट हो गया, बट जेड आया, जेड ने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, और जेड ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे जो जेड है
उसने तो खाना खाया ही नहीं, तो ये क्राइम कमिट नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट है उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी एक्स को। नाउ इनकोएट ऑफेंसेस होता क्या है? इनकोएट ऑफेंसेस रिफर टू इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। इन अ लिटरल सेंस द वर्ड इनकोएट मीन्स अनफिनिश्ड और अंडर डेवलप्ड। इनकोएट ऑफेंसेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, जो कम्प्लीट नहीं हुआ, जो ऑफेंस कम्प्लीट नहीं हुआ उसको हम लोग इनकोएट ऑफेंसेस बोलते हैं। अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो जो वर्ड है इनकोएट, इसका मतलब होता है अनफिनिश्ड और अंडर डेवलप्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स, मेंस रिया विच मीन्स अ गिल्टी इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, एंड एक्टस रियस विच मीन्स द एक्चुअल कमीशन ऑफ द एक्ट। यहाँ पे दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मेंस रिया के, क्राइम के, सॉरी, यहाँ पे दो एसेंशियल एलिमेंट्स है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। पहला है मेंस रिया, दूसरा है एक्टस रियस। मेंस रिया जो होता है इसका मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन टू किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, और एक्टस रियस का मतलब होता है एक्चुअल कमीशन। किसी भी एक्ट को कमिट कर दिया गया, एक्चुअल कमिटेड। इन दिस सेंस इनकोएट ऑफेंसेस आर इनकम्प्लीट ऑफेंसेस एज दे ओनली फुलफिल द मेंस रिया एस्पेक्ट एंड नॉट द एक्टस रियस एलिमेंट ऑफ द क्राइम। यहाँ पे इनकोएट ऑफेंसेस जो होता है वो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेंस रिया पार्ट जो है वो फुलफिल हुआ है, एक्टस रियस पार्ट जो है वो फुलफिल यहाँ पे नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ इनकोएट क्राइम्स, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनकोएट क्राइम्स। द फर्स्ट वन इज अबेटमेंट, सेकेंड वन इज अटेम्प्ट, एंड थर्ड वन इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।